So hello everyone, welcome back to my channel. This is Pratijay Agarwal, first year MBA student from CMHD Kolkata. So guys, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 2022 में आपका नीट के राउंड वन काउंसलिंग में आपका वेस्ट बंगाल स्टेट में क्या कट ऑफ रहा और उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है फॉर राउंड टू के लिए. हर कैटेगरी के बारे में आपको बताऊंगा. सो पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको. तो इस वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखना बिना स्किप के, तो ही आपको समझ में आएगा अच्छे से कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है हर कैटेगरी का राउंड टू के लिए. तो इससे आप लोगों को अच्छा सा आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको राउंड टू में कोई कॉलेज मिलने के चांसेस कितने हैं. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. और गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन जो है उसे प्रेस कर देना ताकि आप फ्यूचर में कोई भी चैनल की तरफ से वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाओ. सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस. सो गाइस, हम लोग इस वाले पीडीएफ के हेल्प से देखेंगे कि इस साल आपका राउंड वन में क्या क्या कट ऑफ रहा है वेरियस कॉलेजेस का फॉर द वेरियस कैटेगरीज. सो चलिए हम लोग देखते हैं. तो यहाँ पे ये वाला जो पीडीएफ है ये आपके WBMCC के साइट में भी आपको मिल जाएगा. तो ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं. तो यहाँ पे ऊपर में BDS कॉलेज का दिया हुआ आपका कट ऑफ्स. तो वैसे तो इस वीडियो का मेन मोटिव मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके MBBS कॉलेजेस का क्या कट ऑफ है. तो आप मैं आपको वो दिखाऊंगा इसमें. तो आप लोग BDS का देखना चाहते हो आप लोग वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो ये सब तो थे BDS कॉलेजेस से कट ऑफ फॉर वेरियस कैटेगरीज. तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपके MBBS कॉलेजेस का कट ऑफ. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है बाकोड़ा मेडिकल कॉलेज का. ये कोई आपके ये रैंकिंग वाइज नहीं है मेडिकल कॉलेजेस. यहाँ पे कॉलेजेस का जो भी रैंकिंग है मैंने यहाँ पे ऊपर में लिख रखा है कि वो किस नंबर पे इस बार रैंक किया है अकॉर्डिंग टू कट ऑफ. तो यानी कि बाकोड़ा मेडिकल कॉलेज पर 9 नंबर में आया अकॉर्डिंग टू दिस कट ऑफ ऑफ द राउंड वन. नंबर वन में हर बार की तरह मेडिकल कॉलेज कोलकाता ही रहा है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर राउंड का मतलब हर कैटेगरी का क्या क्या कट ऑफ रहा है. BANO मतलब होता है आपका OBC A, BBNO मतलब OBC B, EWNO मतलब आपका EWS, OPNO मतलब आपका UR कैटेगरी जो कि जनरल कैटेगरी होता है, OPPH यानी कि आपका UR कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप, SCNO यानी कि SC कैटेगरी, STNO कैटेगरी यानी आपका ST कैटेगरी हो गया शेड्यूल ट्राइब वाला. और यहाँ पे ये वाला जो आप कॉलम देख रहे हो ये वाला कॉलम है आपका ओपनिंग रैंक यानी कि OR, और ये वाला जो कॉलम देख रहे हो ये आपका CR क्लोजिंग रैंक. हम लोगों का मेन मैटर जो करता है वो है हमारा CR से क्लोजिंग रैंक से मैटर करता है. तो देखो आपको बाकुड़ा मेडिकल कॉलेज में जो मैं आपको जनरली यहाँ पे यूआर कैटेगरी का बताता हूँ, आप बाकी कैटेगरी का देखना चाहते हो वो भी आप देख लेना यहाँ पे. तो यूआर कैटेगरी जो आपका ओपन हुआ था 11,331 रैंक से ओपन हुआ था और ये क्लोज हुआ आपका 20,595. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे. अदर कैटेगरीज का भी आप देख लेना आप लोग जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो. ठीक है, तो अगर मैं हर कैटेगरी के एक एक करके बताने जाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इसको मैं इरेज कर देता हूँ. ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना. वैसे हर कॉलेज का आपको दिख जाएगा यहाँ पे नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे हर कॉलेज का. तो हम लोग यहाँ पे नीचे चलते हैं. तो यहाँ पे नीचे 7 नंबर मेडिकल कॉलेज दिख रहे हैं यहाँ पे, बर्धमान मेडिकल कॉलेज. तो बर्धमान का आप लोग देखो यहाँ पे जनरल का जो कट ऑफ गया है फॉर द राउंड वन इस बार था AIR 17,042. अदर कैटेगरी का आप लोग देख लेना, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ. ठीक है, तो हम नीचे चलते हैं. और नीचे ये है आपका CNMC कोलकाता, उसका देख लो आप राउंड वन में जनरल कट ऑफ गया 13,376. ओके, और नंबर वन हमेशा जो होता है आपका मेडिकल कॉलेज कोलकाता, उसका क्लोजिंग रैंक था इस बार 4,538 फॉर द यूआर कैटेगरी. और नीचे चलते हैं हम लोग. नीचे 3 नंबर मेडिकल कॉलेज जो रहा वो था NRS मेडिकल कॉलेज. मैंने जैसे आप लोगों को बोला ही था कि इस बार चांसेस है कि NRS मेडिकल कॉलेज नंबर 3 में आ जाएगा और IPJ में नंबर 2 में आ जाएगा, तो वैसा ही हुआ. तो आप NRS मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हो फिर वेरियस कैटेगरी क्या क्या था. मैं अभी आपको आगे इन सब कैटेगरीज के बेसिस पे राउंड टू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है वो भी बताने वाला हूँ. तो अब इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना कि आप लोग को पता चल सके कि राउंड टू में आपका हर कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा सकता है, कितने मार्क्स होंगे, कितने AIR हो सकता है, स्टेन ट्रैक कितना होना चाहिए. सो ये सब आप लोग को आगे की वीडियो में पता चलेगा. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. तो नीचे देखते हैं, नीचे है आपका 11 नंबर मेडिकल कॉलेज जो कि है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग में, उसका कट ऑफ आप लोग देख लेना. आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ ऐसे ऐसे करके हर एक कॉलेजेस का. नीचे है फिर आपका आर्चिकल मेडिकल कॉलेज, ये आप इसका देख सकते हो कट ऑफ क्या क्या है. मैंने आप लोग को ये सब एब्रिविएशन का मतलब बता दिया क्या है, आप लोग जाके WBMCC के साइट पे भी देख सकते हो. BANO OBC A, BBANO OBC B, EWS, OPNO UR कैटेगरी, SCNO SC, STNO ST. ठीक है, और किसके अगर PH अगर लिखा हुआ तो वो फिजिकली हैंडीकैप्ड. नीचे चलते हैं, नीचे 2 नंबर मेडिकल कॉलेज जो मैं बताया था IPJMER ये है. फिर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका लिखा है BAPH यानी कि OBC A फिजिकली हैंडीकैप. फिर आपका लिखा है SC PH, तो SC PH पता ही चल रहा है SC का डिग्री फिजिकली हैंडीकैप. ठीक है,
तो इसका देख लो आप, ये यूआर कैटेगरी कितने में क्लोज हुआ, 6682 रैंक AIR फॉर राउंड वन। नीचे चलते हैं हम लोग, 13 नंबर मेडिकल कॉलेज मिदनपुर मेडिकल कॉलेज, 26 नंबर जो आपके जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो तो आपको 25 नंबर तक ही, उसके बाद जो भी मैंने रैंकिंग किया 26 से लेकर 32 तक वो सब आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो उसका भी अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। इसमें आपका एडिशनल कोटा होता है वो आपका मैनेजमेंट कोटा, ये वाला प्राइवेट शीट्स जो होता है जिसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है उसका भी अगर आप उसका आप कट ऑफ देखना चाहो तो उसका भी आप देख सकते हो, ये है ठीक है। और इसमें आपका यूआर का डिग्री आपका क्लोज हुआ KPC जादवपुर में 34,237 में। ये सब प्राइवेट कॉलेजेस है, 25 नंबर के बाद जो है वो आपके प्राइवेट कॉलेज है। ये 8 नंबर JNM कल्याणी, इसका आप देख लेना स्क्रीनशॉट ले लेना इसका इन सब का। फिर 6 नंबर मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ मेडिसिन सगत होता है हॉस्पिटल जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसका क्लोजिंग रैंक था अभी ये यूआर कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक था 15,547। लास्ट ईयर था ये राउंड वन के लिए 15,400, यानी कि इस साल कुछ 150 रैंक AIR ये डिक्रीज़ हुई है। तो कोई नहीं, बट अगर हम लोग मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो मार्क्स इसमें 2-3 नंबर ऊपर ही गया है ठीक है। तो 6 नंबर था ये, 14 नंबर में मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। 16 नंबर में है मालदा मेडिकल कॉलेज, 14 नंबर में है आपका मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज, फिर 16 नंबर में आपको देखना मालदा मेडिकल कॉलेज, फिर 10 नंबर में है ESI जोका ठीक है। फिर नीचे चलते हैं, नीचे 28 नंबर, ये वापस एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो कि आपका जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल। यहाँ पे भी आपको एक अलग सा कैटेगरी दिखेगा जो कि है MQNO, यानी कि मैनेजमेंट कोटा है ये, इसमें रैंक काफ़ी कम जाती है, इसका फीस ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट 27 नंबर, ये भी आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो कि है आपका IQJOD मेडिकल कॉलेज। फिर नेक्स्ट 12 नंबर में है आपका डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज, काफ़ी ऊपर रैंक करके इस बार मेडिकल कॉलेज इंस्पायर्ड ऑफ बींग 2019 का ही कॉलेज है, बट फिर भी इस बार इसका कट ऑफ काफ़ी ऊपर गया है। और 19 नंबर में है आपका रायगंज मेडिकल कॉलेज, 17 नंबर में आपका रामपुर हाट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे ऐसे रैंकिंग, तो ये सीरियल वाइज नहीं है, तो आप लोग चिंता मत करो, मैं आपको इसके बाद एक PDF दिखाऊंगा जिसमें मैंने सीरियल वाइज सारे मेडिकल कॉलेज लिखे 1 से लेकर 32 तक, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज इस बार ऊपर गया कौन सा नीचे हुआ है। सो उसका आप टेंशन मत लेना, मैं आपको इसी PDF के बाद आपको मैं वाला PDF पे दिखा दूंगा। सो 22 नंबर में इस बार हुआ है कुछ बिहार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये वाला कॉलेज आपका मतलब 2-3 साल पुराना है, फिर भी ये इस बार कुछ नए कॉलेजेस के नीचे आ गया। सो इसका भी आप कट ऑफ देख लो, इस बार ऐसा ऐसा था। नीचे चलते हैं, ये 29 नंबर में है आपका आयकर इंस्टीट्यूट, ये भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। फिर इसके बाद है आपका 32 नंबर, ये वाला 32 नंबर जो मेडिकल कॉलेज है ये लास्ट MBBS कॉलेज है आपका वेस्ट बंगाल में जिसमें एडमिशन हुआ है, तो इसका आप कट ऑफ देखो। जनरल कैटेगरी का है आपका 47,065 और मैनेजमेंट कोटा का है आपका ये अराउंड 10 लाख है, बस इसका फीस काफ़ी ज़्यादा होता है इन सब में, आप देख वो भी देख सकते हो। और फिर 18 नंबर में आपका देवेन माता मेडिकल कॉलेज, ये आपका पुरुलिया में है, इसका आप देख लेना, इन सब क्या है ना स्क्रीनशॉट लेते जाओ। फिर 31 नंबर में आपका है गौरी देवी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, ये भी आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। 25 के बाद जो जो भी रैंकिंग है वो सब आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है। फिर 30 नंबर शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज, ये भी प्राइवेट है। फिर 21 में आपका प्रफुल्ल चंद्र सेन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये आपका नया मेडिकल कॉलेज इस साल जो आया है। फिर 15 नंबर में बारासात मेडिकल कॉलेज, ये वाला भी नया मेडिकल कॉलेज है, बट इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग ए न्यू मेडिकल कॉलेज ये 15 नंबर में चला गया, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज जो पुराने थे उसके भी ऊपर चला गया। इसका मेन रीज़न ये है कि आपके कोलकाता के काफ़ी पास है तो स्टूडेंट्स ने इसको प्रायोरिटी दिया कि उनको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। फिर 20 नंबर में आपको दिख रहा है शरद चंद्र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये भी इस साल नया मेडिकल कॉलेज खुला है 2022 में। फिर 23 नंबर में आपको दिख रहा है ताम्रलिप्ता गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि आपका तामलुक में है, ये भी नया खुला है इसी साल खुला है। फिर नेक्स्ट है 24 नंबर में जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये भी न्यू मेडिकल कॉलेज है इसी साल खुला है। फिर नेक्स्ट आपका है 25 नंबर में झारग्राम मेडिकल कॉलेज, झारग्राम मेडिकल कॉलेज में इस बार लास्ट एडमिशन हुआ है यूआर कैटेगरी का, ये एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो इसके इसी ये आपका इस बार का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था जो कि था 33,095 रैंक जनरल कैटेगरी में, गवर्नमेंट MBBS सीट में इसके बाद कोई एडमिशन नहीं हुआ आपका। और जनरली अगर आप देखो तो अदर कैटेगरीज का भी काइंड ऑफ लास्ट रैंक यही था, बट मैं आपको आगे PDF में दिखा दूंगा कि एक्जैक्टली किस कॉलेज में लास्ट एडमिशन हुआ फॉर वेरियस कैटेगरीज, सो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जनरल कैटेगरी का इस कॉलेज में लास्ट हुआ था जो कि था आपका झारग्राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट PDF में देखेंगे कि आपका कॉलेज वाइज रैंकिंग क्या था 1 से लेकर 25 फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, फिर उसके बाद आपके प्राइवेट कॉलेजेस किस अकॉर्डिंग रैंक हुआ आपके राउंड वन के कट ऑफ के अकॉर्डिंग। सो लेट्स सी दैट।
सो गाइस ये वाला आपका रैंकिंग है कॉलेजेस का, जो कि इस बार आपका क्लोजिंग रैंक के अकॉर्डिंग मैंने सेट किया है कि मतलब जिस कॉलेज का कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया वो सबसे ऊपर है और जिसका नीचे गया वो उस हिसाब से वो नीचे मैंने अरेंज किया है। तो जनरली अगर ये देखा जाए तो मोर और लेस लास्ट ईयर जैसा था वैसा ही कुछ है, बट फिर भी नीचे के कॉलेज में कुछ चेंजेस आया तो हम लोग देख लेते हैं। नंबर वन में आपका मेडिकल कॉलेज कोलकाता है, सेकंड में IPJMR कोलकाता, थर्ड में NRS कोलकाता, फोर्थ में RJKR कोलकाता, फिफ्थ में CNMC कोलकाता और सिक्स्थ में कॉलेज ऑफ मेडिसिन सागरदत्ता हॉस्पिटल कमरहट्टी। कमरहट्टी भी आपका मतलब कोलकाता के पास ही, मतलब इसको कोलकाता भी लिखता है कोई कोई। और फिर तो ये छह कॉलेज तो जनरली इनका सीक्वेंस ऑर्डर यही रहता है, दो तीन सेकंड नंबर और थर्ड नंबर में थोड़ा सा डाउट था जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस बार IPJ में ऊपर आने के चांसेस है, तो वही हुआ है। फिर सेवन नंबर में है आपका बर्दवान मेडिकल कॉलेज जो बर्दवान में ही है, आठ नंबर में आपका कॉलेज ऑफ मेडिसिन JNM हॉस्पिटल कल्याणी, नौ नंबर में आपका बाकुड़ा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज बाकुड़ा, टेन नंबर में आपका ESI जोका कोलकाता, इलेवन नंबर में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज जो कि दार्जिलिंग में है, ट्वेल्थ नंबर में आपका डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज। डायमंड हार्बर को आप देख सकते हो ये इंस्पायर्ड ऑफ बिंग 2019 मेडिकल कॉलेज, ये काफ़ी पुराने मेडिकल कॉलेजेस के भी ऊपर आ गया, ठीक है। फिर आप 13 नंबर में देखोगे तो ये है आपका मेदनापुर मेडिकल कॉलेज, 14 नंबर में मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और फिर 15 नंबर में बारासात मेडिकल कॉलेज। ये एक इस साल ही खुला मेडिकल कॉलेज बारासात वाला, 2022 में खुलने के बाद भी ये काफ़ी ऊपर आ गया जस्ट बिकॉज ये कोलकाता के काफ़ी नियर है। फिर 16 नंबर में आपका मालदा मेडिकल कॉलेज, 17 में रामपुरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 18 नंबर में देवेन महाता मेडिकल कॉलेज, 19 नंबर में रायगंज मेडिकल कॉलेज, 20 नंबर में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 21 में प्रफुल्ल चंद्र सेन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 22 में महाराजा जितेंद्र नारायण मेडिकल कॉलेज कुचबिहार, 23 में आपका ताम्रलिप्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 24 में जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और आपका 25 नंबर में है आपका झारग्राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ये तो आपका थे 25 आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, इसके बाद जो भी 26 से है वो आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है। 26 में आपका KPC मेडिकल कॉलेज जादवपुर, 27 नंबर में है IQCT मेडिकल कॉलेज, 28 जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट, फिर 29 में है आपका IKEN इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, 31 में आपका शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज, 30 में शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज था और 31 में आपका गौरीदेव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड 32 में है आपका श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सनाका हॉस्पिटल। तो नीचे के जो सात कॉलेजेस है ये तो है आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ऊपर के जो 25 है वो थे आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तो ये इसी इस बार कट ऑफ अकॉर्डिंग आपका ये सीक्वेंस रहा है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम कॉलेजेस। तो आप लोग चाहो तो राउंड टू में भी आप लोग इसी के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो, वरना अगर आपके घर किसी कॉलेज के पास होता उसको ऊपर कर सकते हो, वरना जनरल अगर आप फॉलो करना चाहो सीक्वेंस तो आप ये फॉलो कर सकते हो राउंड टू के चॉइस फिलिंग में। सो गाइस आई होप दैट्स क्लियर। हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपका इस बार आपका राउंड टू में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए 2021 के मार्क्स कंपैरिजन के बेसिस पे। सो हम लोग आके वो देखते हैं। सो गाइस देखो ये तो था 2021 में आपके कट ऑफ क्या थे राउंड वन और राउंड टू का। ये जो हम यहाँ पे कट ऑफ मैंने लिखा है ये है आपका 2021 का, यहाँ पे मैंने डिफरेंट कैटेगरीज भी लिख रखे। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गया, यहाँ पे ये वाला जो है एक ये चीज़ जो है ये आपका UR है, ये वाला UR है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो देखो गाइस तो यहाँ पे आपका जो लास्ट ईयर आपका 2021 में क्या कट ऑफ था राउंड वन में और राउंड टू में उसके अकॉर्डिंग हम लोग आप प्रेडिक्ट करेंगे कि आपका इस साल 2022 में क्या होना चाहिए आपका राउंड टू का कट ऑफ्स। तो देखो आपका जो लास्ट ईयर था राउंड वन में आपका UR कैटेगरी का था वो था AIR 31727 जिसमें स्टेट रैंक था 1872 और मार्क्स थे 576। तो मार्क्स तो इस बार भी लगभग लगभग सेम ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है वो। OBC का था 32085, स्टेट रैंक 1905, मार्क्स थे 573। OBC बी का 34316, AIR स्टेट रैंक 2079 और मार्क्स 569, ठीक है। तो वैसे आप देख लो बाकी कैटेगरीज़ का भी यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने लिख रखा है सब कुछ आप देख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग फिर बाद में राउंड टू में क्या चेंजेस आए और हम लोग देखेंगे उसका इफेक्ट, मतलब उसके अकॉर्डिंग इस साल क्या होना चाहिए 2022 में कंपेयर करके हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि राउंड वन का UR कैटेगरी में कट ऑफ था 31727 और राउंड टू में गया 32740, यानी कि 1000 रैंक नीचे आया। वो स्टेट रैंक में आप देख सकते हो डिफरेंस कितना है, स्टेट रैंक में 1872 है 1940, यानी कि 70-80 स्टेट रैंक में फ़र्क आया और मार्क्स आप देख सकते हो ये 4 नंबर घटा उस। और फिर OBC ए का भी आप देख लो कि OBC ए में भी लगभग 1000 AIR नीचे आया, स्टेट रैंक 70 नीचे आया और मार्क्स, ठीक है मार्क्स से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों को मेनली रैंक से फ़र्क पड़ता है। OBC बी में अगर आप देखो तो OBC बी में लगभग 500 रैंक ही नीचे आया, 34300 था तो 34800 हुआ। स्टेट रैंक में लगभग 40 के आसपास स्टेट रैंक में फ़र्क आया,
राउंड 1 से लेकर राउंड 2 में। EWS में अगर आप देखो तो EWS में आपका है, EWS में भी लगभग 1000 रैंक का डिफरेंस आया, फिर उसमें रैंक आपका है 70 to 80, स्टेट रैंक का फ़र्क आया। फिर SC कैटेगरी में अगर आप देखो तो SC में आपका रैंक आया ये लगभग, इसमें भी आपका 1500 रैंक ये ड्रॉप किया है राउंड 2 में। फिर वही अगर आप स्टेट रैंक कंपेयर करो तो स्टेट रैंक है आपका 40 का डिफरेंस आया। फिर अगर आप ST कैटेगरी में देखो तो ST कैटेगरी में 10000 रैंक ये ड्रॉप हुआ है। और अगर आप स्टेट रैंक देखो, स्टेट रैंक कंपेयर करो तो स्टेट रैंक आपका 80 स्टेट रैंक ड्रॉप किया है। इधर 2021 का डाटा ऐसा था, इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस साल 2022 में क्या कट ऑफ होना चाहिए। मतलब एग्जैक्ट प्रेडिक्शन तो करेक्ट शायद ना हो, बट कुछ हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि इसके आसपास होना चाहिए। सो आपको 2022 में जो कट ऑफ होना चाहिए वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ये सब के अकॉर्डिंग ये मैंने जो किया एक्सपेक्टेशन ये 2021 के कंपैरिजन में किया हुआ है। सो देखते हैं हम लोग, अभी आपका राउंड 1 में जो कट ऑफ हुआ था आपका, हर कॉलेज में एडमिशन होने के बाद आपका ये कट ऑफ हुआ था, लास्ट एडमिशन जो हुआ था वो ऐसा था। तो यूअर कैटेगरी में जो था वो 33,095 रैंक था, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो एडमिशन हुआ था आपका झारग्राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। उसमें आपका स्टेट रैंक था 2048 और मार्क्स थे 576। OBC ए का था 34,371, स्टेट रैंक 2153, मार्क्स 574। और उसी झारग्राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लास्ट एडमिशन हुआ OBC ए का भी। और OBC बी का आप देखो तो यहाँ पे AIR जिस लास्ट एडमिशन हुआ वो है आपका 36,658, और जिसमें आपका स्टेट रैंक था 2317 और मार्क्स थे 570। तो OBC बी का आपका लास्ट एडमिशन हुआ है आपका जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, आपका ये झारग्राम में नहीं हुआ। और फिर आपका नेक्स्ट कैटेगरी देखो तो EWS है, EWS इस बार आपका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप है कंपेयर टू लास्ट ईयर, जो कि है 45,710 रैंक, और स्टेट रैंक इसमें आपका 2923 और मार्क्स है आपके 555। सो EWS कैटेगरी इसमें कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ आपका। लास्ट ईयर जो EWS में आपका राउंड 1 में कट ऑफ था वो अराउंड 31,000 रैंक था, बट इस बार राउंड 1 में आपको 45,000 ये रैंक चला गया, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। तो मतलब EWS वाले को इस बार काफ़ी फायदा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपका SC कैटेगरी में जो आपका कट ऑफ हुआ इस बार राउंड 1 में वो है आपका 118,000, और आपका स्टेट रैंक है इस बार 4762, मार्क्स है उसमें 459। फिर आपका ST कैटेगरी में जो आपका लास्ट एडमिशन वो है आपका 509,189 रैंक AIR, स्टेट रैंक है उसमें आपका 6595 और कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स है आपके 212 मार्क्स, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि राउंड 2 में आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए। सो यहाँ पे जो मैंने रेंज लिखा हुआ है, मैं आपको एग्जैक्ट रैंक नहीं बता रहा क्योंकि एक रेंज से वो आपको बेटर आइडिया मिलेगा। सो यहाँ पे आपका यूआर कैटेगरी में आपका कट ऑफ हो सकता है फॉर द राउंड 1, जो कि हो सकता है आपका 34,000 से लेकर 35,000 AIR के बीच यही होना चाहिए। ये जो मैंने आपका जो ये आपको अपर लिमिट जो दिया 35,000 रैंक, ये आपके मैक्सिमम है, इससे नीचे जाने का चांसेस मुझे बहुत कम लग रहा है, इससे कम रैंक नहीं जाना चाहिए। तो राउंड 2 में आपका होना चाहिए 34,000 से 35,000 रैंक के बीच होगा आपका यूअर कैटेगरी का कट ऑफ, और उसे कॉरेस्पॉन्डिंग आपका स्टेट रैंक है 2130 से लेकर 2200, और मार्क्स पे आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर OBC ए का होना चाहिए आपका 35K से लेकर 36K तक AIR, और कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट रैंक है आपका 2200 से लेकर 2270 तक। फिर आप मार्क्स देख लेना, OBC बी का होना चाहिए आपका 37K से लेकर 38K तक, फिर स्टेट रैंक होना चाहिए आपका 2350 से लेकर 2430 तक। और फिर हम EWS कैटेगरी का देखें तो EWS कैटेगरी में भी आपका 1000 ऐसा कुछ रैंक ड्रॉप होना चाहिए, जो कि हो सकता है आपका 47K से लेकर 48K के बीच, इसके बीच कुछ होना चाहिए आपका कट ऑफ फॉर EWS कैटेगरी का AIR रैंक। फिर स्टेट रैंक अगर हम लोग देखें तो वो होना चाहिए आपका 3000 से लेकर 3050 रैंक तक। फिर आप SC कैटेगरी देखो, जैसे SC कैटेगरी का राउंड 1 में कट ऑफ था 118,000, तो राउंड 2 में एक्सपेक्टेड है कि ये 120,000 से लेकर 125,000 के बीच में कहीं लाई करना चाहिए, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका स्टेट रैंक होगा आपका 4800 से लेकर 4870, और कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स होने चाहिए आपके 457 से लेकर 451 तक, ठीक है। और फिर ST कैटेगरी का आप देखो तो आपके AIR जो होनी चाहिए राउंड 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 520,000 से लेकर 535 के, यानी कि 535,000 के आसपास कुछ होना चाहिए आपका ST कैटेगरी का राउंड 2 में, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका स्टेट रैंक होना चाहिए 6620 से लेकर 6650 तक, और उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स होने चाहिए 203 से लेकर 208 के बीच। अगर इसके बीच है तो आपका चांसेस है राउंड 2 में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाने का। सो ये तो था कि गाइस एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपका होना चाहिए राउंड 1 के बेसिस पे इस साल, और 21 में जो हुआ था राउंड 1 से रख के राउंड 2 में, उसके अकॉर्डिंग ये मैंने प्रिपेयर किया। मुझे लगता है कि इसी के बीच कुछ आपका लाई करना चाहिए, ज़्यादा कुछ ड्रॉप होगा नहीं। मैंने आपको एक रेंज बता दिया यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका स्टेट रैंक, आपका ऑल इंडिया रैंक, फिर आपके मार्क्स। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग एक आइडिया लगा सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है या नहीं।
लोग का जैसे कि राउंड टू आप लोग का स्टार्ट होने वाला है चॉइस फिलिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अगर चॉइसेस कैसे भरने तो उसका मैंने आप लोग ऑलरेडी बता दिया कि कॉलेज के क्या क्या सीक्वेंस होना चाहिए आपको। मैंने 1 से लेकर 32 तक हर कॉलेज बताया कि राउंड वन में किस हिसाब से वो लोग सेट हुए थे, मतलब अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग, मतलब कौन से कॉलेज ऊपर था कौन सा नीचे था। तो अगर आप चाहो तो उसके अकॉर्डिंग में फिल कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपना कोई प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना था उसके अकॉर्डिंग में फिल कर सकते हो। और मैंने ये भी अब बता दिया कि आपको राउंड टू में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने हैं फॉर वेरियस कैटेगरीज, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कोई कॉलेज मिलने के चांसेस है या फिर नहीं है, या आपको मॉपअप क्रिएट करना चाहिए। सो आई होप कि आप लोग क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि आप लोगों को कैसे करने अपने फर्दर राउंड्स। सो डेट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप लोगों को एक अच्छा सा आइडिया मिल गया होगा कि आपका राउंड टू में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होना चाहिए हर कैटेगरी के बारे में। आपको मैंने यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन किया, सो आप लोगों को एक अच्छा सा आइडिया लग जाएगा कि आपके मार्क्स और रैंक पे आप लोगों को कौन से कॉलेज मिलने चाहिए, कॉलेज मिलने के कितने चांसेस है। और जैसे कि आपका राउंड टू का चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो उसमें आप लोग कॉलेज के हिसाब से भरने, उसका भी मैंने आपको डिटेल इसमें बताया है, ऊपर से नीचे कॉलेज तक, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मैंने सारा कवर किया इसमें। सो अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, उसका मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन होगा उससे भी प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो चैनल की तरफ से मिस ना कर पाओ। सो गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे वहां पे ड्रॉप कर देना मैसेज में, डेफिनेटली आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने ट्राई करूंगा। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहिए तो उसका मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखा है चैनल पे, आप चैनल पे जाना प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो वहाँ पे आप देखना काउंसलिंग का एक प्लेलिस्ट होगा, तो उसमें आप काउंसलिंग रिलेटेड जितने भी वीडियोस है आप उसको गो थ्रू कर सकते हो कि आपको काउंसलिंग के डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था, हम लोग मिलते हैं फ्यूचर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप रॉकिंग गाइस, सी यू।